जरेपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत पैसों को लेकर विवाद में दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मृतक मायानगर इंदौरा निवासी शुभम उर्फ कचरा मासूरकर उम्र 21 साल है। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि नशे में पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के चलते पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर रोहित मुन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक रोहित और शुभम दोस्त थे। उधारी के पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। दोनों आर्यनगर के मैदान में गांजा पी रहे थे। नशा होने पर दोनों का विवाद हो गया। रोहित ने पास पड़ी ईंट उठाकर शुभम के सिर पर मार दी। पहले ही वह नशे में था। सिर पर प्रहार होने से जमीन पर ढेर हो गया। इसके बाद रोहित ने उसके सिर पर बड़ा पत्थर मार दिया। शुभम घायल अवस्था में दिखाई देने के बाद जानकारी पुलिस को दी गई। जरीपटका पोलीस स्टेशनला गुन्हा अपक्रमांक 256/21/302 चा गुन्हा दाखल आहे। त्यामध्ये फिर्यादी ही मृतकाची आई सुलोचना मासूरकर आहे। मृतकाचं नाव आहे शुभम उर्फ कचरा राजेश मासूरकर। वय 27 वर्ष आहे। राहणार हा मायानगरचा आहे। गुन्ह्याचं घटनास्थळ हे आहे आर्यनगर समतानगरच्या मागे जरीपटका इथे मोका प्लॉटमध्ये बॉडी मिळून आली। बॉडी चेक केली असता त्याच्या डोक्यावर मारल्याची जखम होती। दगडांनी मारून मयत झालेला आहे। तर तपास केला असता त्याचा मित्र आरोपी नामे रोहित उर्फ फुरट्या राजेश मोन वय 22 वर्ष चौक्स कॉलनी प्लॉट नंबर 31 तिरपूर हॉस्पिटलच्या मागे जरीपटका याने पैशाच्या देवाणघेवाणीच्या वादातून त्याचा दगडाने मारून खून केलेला आहे। आरोपी आणि मृतक दोघंही किरकोळ काम करणारे आहेत। मृतक जो आहे तो पेंटरचं काम करत होता आणि दोघांनाही व्यसन होतं, दारूचं व्यसन होतं। सुमारे 1.5 महिन्यापूर्वी आरोपीने त्याला 4,500 रुपये देव केले होते, हात उसने दिले होते। तेच मागण्याकरता गेला असता दोघांमध्ये वाद झालेला आहे आणि त्यातून आरोपीने मर्डर केलेला आहे। नाही तशी काही माहिती नाही। रोहित के साथ होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पुलिस को संदेह है कि हत्या में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।